हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की ब्लॉगिंग मेरे शाम से शुरू हो रही है और अभी मेरे हस्बैंड ऑफिस से आने वाले हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना उनके लिए आलू चॉप बना लूँ आज। उनको मतलब उनको बहुत ज़्यादा पसंद है आलू चॉप, मुझे बहुत ज़्यादा तो नहीं पसंद है, बट आप फिर भी खा लेती हूँ। तो फिर प्रिपरेशन उसकी शुरू करते हैं और मैं आज उसकी रेसिपी आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी। तो अगर आप लोग भी चाहें तो आप लोग भी इसे ज़रूर ट्राई कर सकते हो। आ गई हूँ अपने किचन में और मैं सबसे पहले आलू का मसाला ही बनाऊंगी। तो उसके लिए सबसे पहले तो आलू हमें बॉईल करना होगा, तो मैं यहाँ पे आलू बॉईल करने के लिए रख दी हूँ और मूंगफली को भी पानी में डाल दी हूँ, क्योंकि ये रॉ मूंगफली है तो इसे यूज़ करने से पहले थोड़ी देर पहले पानी में इसे हमें सोख करके रख देना होता है। जब तक ये आलू बॉईल हो रहा है, मैं ये काउंटर टॉप पे जो भी बर्तन रखे हैं उन्हें बर्तन स्टैंड में रख देती हूँ, और जो थोड़े बहुत बर्तन सिंक में भी पड़े हुए थे तो उसे मैं वॉश कर ले रही हूँ। तो जब तक कि यहाँ पर आलू बॉईल हो रहा है, मैं यहाँ पे फटाफट से कुछ प्याज और हरी मिर्च को चॉप कर लूँगी, और थोड़ा ज़्यादा चॉप करूँगी क्योंकि मुझे मसाले में भी ये चाहिए। और मैं साथ में आलू और चने दाल की सब्ज़ी बना रही हूँ तो उसमें भी मुझे ये यूज़ करना है, तो इकट्ठे ही एक बार ही ज़्यादा चॉप कर लूँगी। आलू और चने दाल की सब्ज़ी के लिए ये चने दाल को भी ना थोड़ी देर पहले ही हमें सोख करके रख देना चाहिए पानी में, ताकि जब उसे हम कुकर में बनाएं तो वो बहुत इजीली सॉफ्टन हो जाए। तो मैं भूल गई थी इसे डालना, तो मैं अभी डाल ले रही हूँ। साथ में आलू चॉप के साथ मैं आलू और चने दाल की सब्ज़ी बनाने वाली हूँ, मतलब तरी टाइप वाला, वो थोड़ा सूपी होगा तो उससे क्या होगा ना कि मतलब वो खाने में ज़्यादा मज़ा आता है। तो उसके लिए करी लीव्स बहुत ज़रूरी होता है, तो मैं वही आ रही हूँ। थोड़ा करी लीव्स तोड़ लेती हूँ, देखिए यहाँ पे कितना बड़ा ही पेड़ हो चुका है। बस ये इतना ही काफ़ी है, बहुत अच्छी खुशबू है। तो मैं ना अब यहाँ पे बेसन का बैटर रेडी कर लेती हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले हमें लेना है बेसन, और फिर उसमें ऐड करना है नमक। आप जितना नमक यूज़ करना चाहते हैं आप उस अपने टेस्ट के हिसाब से कीजिए। साथ में हल्दी पाउडर और थोड़ा सा बेकिंग सोडा, वो खाने वाला जो सोडा होता है वो सोडा थोड़ा सा यूज़ करना है, और थोड़ा गोलकी पाउडर और हल्का सा बिल्कुल लाल मिर्च पाउडर डालना है, और हमें थोड़ा थोड़ा पानी यूज़ करके उससे स्मूथ कंसिस्टेंसी वाला बैटर बना लेना है। देखिए इस तरीके से बिल्कुल। तो ये आलू भी बॉईल हो चुका है, तो मैं इसे अच्छे से इसका पानी स्ट्रेन कर लूँगी और थोड़ी देर के लिए इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देती हूँ, और फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे आलू का मसाला का प्रिपरेशन। तो सबसे पहले कढ़ाई में हम ऑयल ऐड कर लेंगे। मैं यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल यूज़ कर रही हूँ, और फिर उस जब वो अच्छे से पूरा गर्म हो जाएगा तो उसमें हम लोग जीरा ऐड करेंगे। जीरा, ग्रीन चिली और अनियन और मूंगफली, ये सबको अच्छे से डाल करके मिक्स कर लेंगे। अब मैं यहाँ पे करी लीव्स यूज़ कर रही हूँ। अगर करी लीव्स आप यूज़ करना चाहते हैं तो आप उसे अभी ही डाल लें, और नहीं अगर आपके पास नहीं है तो धनिया पत्ता अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो धनिया पत्ता आपको सबसे लास्ट में डालना है। उसके बाद उसमें ऐड करना है जिंजर गार्लिक पेस्ट, नमक, हल्दी, भुना हुआ जीरा का पाउडर और भुना हुआ धनिया का पाउडर। मैं यहाँ पे सारा कुछ ही भुना हुआ ही यूज़ कर रही हूँ। इन सबको डालकर अच्छे से मिक्स करना है, और गरम मसाला लास्ट में ज़रूर डालें। और मैं यहाँ पे मैगी का वो मैजिक मसाला जो आता है वो भी पाउडर यूज़ कर रही हूँ, अच्छा टेस्ट आता है। और उसके बाद फिर आपके पास जो आलू बॉईल करके आपने रखा था उसे इसमें डालकर अच्छे से पूरा मिक्स कर देना है। नमक यहाँ पे आप बहुत ही ध्यान से डालिएगा। तो हमारा ये आलू का मसाला बनकर बिल्कुल रेडी है। तो अब हम अपनी नेक्स्ट प्रिपरेशन की तरफ चलते हैं। तो अब हम बनाएंगे आलू और चने दाल की सब्ज़ी। तो उसके लिए सबसे पहले मैं ले रही हूँ यहाँ पर मस्टर्ड ऑयल, और वो जैसे ही गर्म हो जाएगी तो उसमें हम ऐड करेंगे जीरा, काली राई, और उसके बाद मैं करी लीव्स यूज़ कर रही हूँ। ये जस्ट ऑप्शनल है, ये अगर आप चाहे तो यूज़ कर सकते हैं वरना नहीं भी कर सकते। फिर चॉप्ड अनियंस और चॉप्ड ग्रीन चिली भी आप इसमें ज़रूर ऐड करें, और आप कोरिएंडर लीव्स अगर पसंद करते हैं तो आप इसे लास्ट में कोरिएंडर लीव्स ज़रूर डालिएगा। और उसके बाद इसे थोड़ा अच्छे से फ्राई होने दीजिए। उसके बाद मैं ऐड करूँगी जिंजर गार्लिक पेस्ट
और फिर उसमें मैं डालूंगी नमक, हल्दी पाउडर और भुना हुआ जीरा पाउडर, भुना हुआ धनिया पाउडर और मैगी का मैजिक मसाला जो कि मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। अगर आपके पास है तो आप उसे डालें, नहीं है तो नहीं भी डाल सकते हैं। और मैं एवरेस्ट का गरम मसाला यूज़ करती हूँ, उसका टेस्ट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है इसलिए मैं वो डालूंगी और काली मिर्च भी यूज़ करूंगी। और लास्ट में मैं चना दाल डालूंगी और उसमें 2-3 आलू मैंने एक्स्ट्रा डाले थे, बॉयल किए थे, तो वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी और उसे अच्छे से बॉयल होने दूंगी, अच्छे से उसे फ्राई होने दूंगी। और फिर लास्ट में आप उसमें थोड़ा 1 से 1.5 कप लगभग पानी डालें और डालकर अच्छे से उसे मिक्स करके लास्ट में फिर से गरम मसाला और मैगी का मैजिक मसाला डालकर कुकर को बंद कर दें और उसे 2 से 3 विसल आने तक वेट करें। आपको इतना अंदाज होना चाहिए कि लगभग जो हमारा चना का दाल है वो अच्छे से पक जाए, वो गोटा ना साबुत ना रह जाए, इसलिए आप उसे अच्छे से अपने हिसाब से अपना विसल लगाएं। तो मैं यहाँ ऊपर से फिर से नमक डाल रही हूँ क्योंकि जितना मुझे अंदाज़ सही से नहीं लगता, तो जितना मैंने पानी यूज़ किया उतना ही मैं यहाँ पे फिर से नमक डाली हूँ और हल्दी भी ऊपर से यूज़ की हूँ क्योंकि उसका कलर थोड़ा फीका लग रहा है। बहुत गर्मी है यार किचन में, सच में मेरे फिर बालों से ना पानी टपक रहा है, पानी नहीं एक्चुअली स्वेटिंग आ रही है, इतना ज़्यादा गर्मी है यार, यहाँ तो भयानक गर्मी लग रही है यार। ये कोरोना तो जाने का नाम नहीं लेता, तो मैं वही सोच रही हूँ ना कि मतलब घर ही पे क्यों ना ढाबा ही खोल लूँ। समोसा मुझे आता बनाने, आलू चॉप भी आज मैंने बना ही लेना है, तो मतलब अब बचा ही क्या है। तो मैंने आलू वाला मसाला रेडी कर लिया है और सब्ज़ी भी मैंने बना लिया है, बस आलू चॉप बस तलने बाकी है। तो मैं अपने हस्बैंड के आने का वेट कर रही हूँ, तब तक मैं थोड़ा सा ठंडी ठंडी हवा खा लेती हूँ। मतलब शाम को अक्सर यहाँ पे ऐसे ही होता है, मतलब शाम को वेदर बहुत अच्छा हो जाता है। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? तो मैं आपको बता देती हूँ, मेरे हस्बैंड आ चुके हैं ऑफिस से। अब तो हम नहीं बताते, हॉर्न बजा दिया आज आपने, आपका वाला गेट खुला है। तो अब घर आ चुके हैं तो सारा सैनिटाइजेशन का काम करना शुरू हो गया है, मतलब घर के अंदर आने से पहले। ये सब तो बहुत ही अभी ज़रूरी है, ये सब तो आप सब भी ज़रूर करते होंगे, तो बस वही चल रहा है यहाँ पर। तो जब तक कि मेरे हस्बैंड यहाँ पर सारा कुछ ये सब काम कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पर फटाफट ये आलू चॉप को फ्राई करने की प्रिपरेशन शुरू करती हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले कढ़ाई में तेल गर्म करना है और आलू के मसाले जो थे उसके छोटे छोटे बॉल्स बना लेने हैं और उसे अपने हाथ से फ्लैट शेप दे देना है। और बेसन का जो घोल हमने तैयार कर रखा था, जो बैटर रेडी था, उसमें एक एक करके सारा को डिप करना है। और ध्यान रहे कि गैस का फ्लेम एकदम हाई रहे जब हम उसे तलने के लिए जस्ट तुरंत कढ़ाई में जब डालते हैं। और जैसे ही आलू चॉप फुल जाता है तो उसे हमें फ्लेम को थोड़ा कम कर देना है, मतलब लो मीडियम फ्लेम पे आप रख कर उसे आराम से फ्राई कर सकते हैं। तो देखिए ये गर्मा गर्म आलू चॉप बनकर रेडी है और अब इसे मैं सर्व करूँगी, बस 2-3 मिनट में ही हो जाएगा। ये देखिए रेडी है बिल्कुल आलू चॉप और गर्मा गर्म सब्ज़ी। तो फाइनली आलू चॉप विद सब्जी रेडी है, तो अब टेस्ट कर रहे हैं आज के हमारे गेस्ट। कैसा है? यम्मी यम्मी, सच में अच्छा है, बहुत अच्छा। टेस्ट नमक सब अच्छा, तुम भी खाओ। कैसा रहा आज के दिन? ठीक ठाक। तो अभी शाम के 7 बज चुके हैं और अभी लॉकडाउन की वजह से कहीं भी नहीं जा पाते हैं तो घर पे ही रहना पड़ता है। एक्चुअली थोड़ी स्वेटिंग हो रही है क्योंकि व्लॉगिंग करते वक्त क्या होता है ना कि फ़ैन ऑफ करना पड़ता है क्योंकि उसकी वजह से ना आवाज़ बिल्कुल भी नहीं आ पाती है। तो आप लोगों ने ये नोटिस किया होगा ज़रूर कि पहले के जितने भी मेरे वीडियोज़ रहते थे उसमें वॉइस की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी, बट लास्ट 2 वीडियोज़ से शायद वॉइस की प्रॉब्लम अब नहीं होती है। तो मैं फ़ैन ऑफ करके जब भी वीडियो बनाती हूँ तो हमेशा फ़ैन ऑफ करके ही बनाती हूँ, शाम के वक्त बहुत अच्छी हवा चलती है। तो ये थोड़ा सा वॉक कर लेते हैं, तो देखिए और ये देखिए ये साइकिल आपको दिख रहा है ना, ये साइकिल हमारे ऊपर में रहती है, लैंडलॉर्ड रहती हैं तो उनका ही है।
और यहाँ के लोग ना यार मतलब अपने फिटनेस को लेकर बहुत ज़्यादा ही मतलब ध्यान देते हैं। जब तक मैं यहाँ पे वॉक कर रही हूँ तब तक मैं सोची कि चलो आप लोगों से कुछ बात कर लूँ। लाइक यहाँ पे ना लाइट थोड़ी है ही नहीं बिल्कुल, इसकी वजह से ना मेरे फेस आपको बिल्कुल भी नहीं दिख रहा होगा। रुको एक सेकेंड, मैं लाइट ऑन करती हूँ। तो मैं सोच रही थी ना कि आप सब मुझे बताओ, मतलब आप लोग जो भी मेरे व्लॉग्स को देखते हो आप सब मुझे प्लीज़ बताओ कमेंट करके कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ से रिलेटेड चाहिए, क्योंकि मैं मतलब कोशिश करती हूँ कि हर तरीके का व्लॉग्स या फिर ऐसे वीडियोज़ ही अपलोड करूँ जिससे कि आप लोग एंटरटेन हो सके। लाइक कुछ मैंने एंटरटेनिंग वीडियोज़ डाले थे जिसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही अलग था, और कुछ वीडियोज़ ऐसे हैं जो कि मेरे डेली व्लॉग से रिलेटेड है, डेली रूटीन से रिलेटेड है, कुछ ऐसी चिटचैट वाला वीडियोज़ है। तो मुझे ना मतलब एग्जैक्टली समझ नहीं आता कि आप लोगों को किस तरीके का वीडियोस पसंद आता है, तो आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट करना कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस तरीके का चाहिए या फिर क्या ज़्यादा मज़ा आता है आपको देखना। ये देखिए अंदर ना टीवी ऑन है और मतलब इसमें ना थोड़े लाउड वॉइस में हम लोग सॉन्ग लगा कर छोड़ देते हैं, वॉक करते रहो, हवा इतना अच्छा है और साथ में गाना भी सुनने को मिल जाए तो उसका मज़ा ही कुछ और है, वो शाम ही अलग हो जाती है। तो मैं जाती हूँ फटाफट से अपने हस्बैंड के लिए चाय बना लेती हूँ, मैं तो नहीं पीती हूँ आपको बता चुकी हूँ ऑलरेडी। तो मैं आ गई हूँ चाय बनाने, फटाफट से चाय बना लेती हूँ, बस इतना सही मिल्क बचा हुआ है क्योंकि शाम को हमारे यहाँ ना डेली शाम को ही आता है दूध वाला, वो आकर दे जाता है डेली, तो मैं इसी तरीके से दूध को यूज़ करती हूँ ना कि डेली शाम तक मतलब लगभग वो ख़त्म पे रहे। पता है ये वाली जो गैस है ना, ये पता नहीं इसमें ये वाले स्टोव में क्या हो गया प्रॉब्लम, जब भी मैं इसे हाई फ्लेम पे भी अगर ऑन कर रही हूँ ना, ये देखो और इसकी फ्लेम कितनी कम है और इसकी फ्लेम कितनी तेज़ है। पता नहीं अभी हाल फिलहाल में ही मैंने इसे बनवाया बट फिर से शायद ख़राब हो गई है, पता नहीं यार क्या प्रॉब्लम हो जा रहा है इसमें बार बार ही। मतलब लॉकडाउन की वजह से ना मैं इसे बनवाने भी नहीं ले जा पा रही हूँ, तो इस वजह से ये बस ऐसे ही काम चलाना पड़ रहा है अभी फ़िलहाल। किचन में ना यार बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, और मतलब यहाँ पे ना ये जो ये डोर बना है ना, ये डोर अगर जब मैं खोल देती हूँ तो इधर से भी बहुत अच्छी हवा आती है। ये भी मैं अगर मुझे ज़्यादा काम होता है किचन में जब भी, तो मैं ये दरवाज़ा हमेशा ओपन करके ही बनाती हूँ खाना वगैरह। तो हमारे देश में ऐसे कितने प्रतिशत भारतीय हैं जिन्हें चाय शाम को पीना पसंद है, मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद है, तो मैं सभी मुझे कमेंट करके बताना कि जिनको शाम को चाय लेना काफ़ी पसंद है, मतलब शाम मतलब चाय होता है। कहाँ गए, किधर गए, किधर हो? देखो ये, देखो ये बाहर चले गए थे मुझे बिना बताए, ये देखो लो आपका चाय। मेंशन नॉट, क्या काम कर रहे हो? तो चाय वाय होने के बाद मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा इवनिंग वॉक करके आते हैं बाहर से। ये देखिए ये हमारे घर के जस्ट बाजू में ये पुलिस स्टेशन है। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ अपने घर के आसपास की सराउंडिंग्स की क्या क्या है हमारे लोकेशन में। यहाँ पे घर के हमारे जस्ट सामने में ये मंदिर भी है प्लस चर्च भी है, दोनों ही चीज़ें मतलब जस्ट वॉकिंग डिस्टेंस पे है। ये देखिए ये सामने वाला ये गणपति मंदिर है, ये लॉकडाउन की वजह से बहुत जल्दी बंद हो गया है सारे शॉप्स वगैरह भी। देखिए ये छोटे छोटे शॉप्स हैं ये सब बंद हो चुका है। ये सामने मंदिर भी बंद हो चुका है, ये देखिए ये भी शॉप्स है ये भी बंद हो चुका है। मतलब रोड आप देख सकते हैं कि कितना ही शांत है, बिल्कुल कुछ भी चहल पहल नहीं है यहाँ पर, सब अपने अपने घरों में ही हैं। ये देखिए हम आ गए चर्च, बगल में ही मंदिर था और ये रहा चर्च, ये भी अभी बंद है। ये देखिए देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ये बैनर लगा हुआ है यहाँ पे कि विजिटर्स नॉट अलाउड, ये तेलुगु में नीचे लिखा है। और ये देखिए ये COVID-19 का स्टे होम स्टे सेफ, इसकी वजह से ये अभी बंद रह रहा है। घर में बैठे बैठे ना दम घुट रहा है यार, लॉन वॉन कितना भी अच्छा हो बुरा हो वो पता नहीं, लेकिन घर से बाहर जो मज़ा है वो नहीं मिल पा रहा है अभी लॉकडाउन की वजह से। तो अब हम लोग जा रहे थे, अब हम लोग जा रहे हैं अपने घर वापस, बहुत हो गया वॉकिंग। यहाँ पर थोड़ा सा लाइट है इसलिए यहीं पर जो भी बोलना है आपके साथ ही बोल ले रही हूँ, नहीं तो फिर आगे रास्ते में पूरा अंधेरा ही अंधेरा है। तो बस हम आ गए हैं अपने घर और आज के व्लॉग को बस यहीं पे ख़त्म करते हैं और आपसे मिलते हैं अब नेक्स्ट व्लॉग में।